टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी होम टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अपने बाथरूम के नलों की पुरानी से पुरानी जमी रस्ट और गंदगी को 5 मिनट से भी कम समय में बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है और क्या क्या सामग्री की जरूरत है। इसके लिए जो हमें 3 चीजें चाहिए वो तीनों ही चीजें आसानी से हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहला है खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, नींबू, लेमन और सिरका यानी विनेगर। ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाती हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने बाथरूम के नलों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें मैं ये खाने वाला सोडा, ये जो 1 चम्मच है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ मैंने इस नींबू को हाफ ले लिया है, मुझे आधे नींबू की ज़रूरत है तो मैं इसे यहाँ पर इसमें निचोड़ देती हूँ। देखिए इसमें अच्छा झाग आ गया है। सिरके का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे तो अभी इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाथरूम की तरफ जहाँ हमें नल को साफ करना है। फ्रेंड्स, देखिए ये नल का क्या हाल हो गया है। बहुत दिनों से ये बाथरूम बंद था और यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था और यहाँ का वाटर भी बहुत सॉल्टी है तो ये नल काफ़ी ख़राब हो गया है। अभी हम देखते हैं कि कैसे हमने जो फेस बनाया है उसका इस्तेमाल करके हम इसको कैसे चमका देंगे और कैसे इसको बिल्कुल नया सा कर देंगे। आइए चलिए इस नल की क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फेस को मैं स्क्रब की मदद से यहाँ पर पूरे नल पर लगा देती हूँ। यहाँ मैं इसे अभी रब नहीं कर रही हूँ, बस इसे लगा रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा रब करना शुरू करते हैं। आप अभी देख पा रहे हैं कैसे ये क्लीन होना शुरू हो गया है। अब ये नल पर थोड़ा सा रब करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे अच्छे से रब करना है। देखिए मैंने ये सारा ही रब कर लिया है। अब इसको लगभग 2 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी मैंने नींबू और बेकिंग सोडा के पेस्ट को इसमें लगाया था और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ा था और अब नंबर आता है हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट का यूज़ करने का। तो अब हम विनेगर का इसमें इस्तेमाल करेंगे। विनेगर को अगेन हम इसमें स्क्रबर में डिप करेंगे और ऐसे लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने यहाँ पर सारा विनेगर नल पे लगा दिया है। अब बारी आती है इसको हल्का सा लगभग 1 मिनट रब करने की। तो ये वाला प्रोसेस भी अब झटपट कर लेते हैं ताकि हमें अपना सुंदर सा नल देखने को मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे दोनों ही प्रोसेस पूरे हो गए हैं। यहाँ मैंने 2 मिनट विनेगर लगा के भी इसे छोड़ दिया था और इसे रब भी कर लिया है। देखिए तो अब टाइम है फाइनल शो का। तो देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। टैप से ही साफ कर लेते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है, जैसे पहले लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। बिल्कुल चमक रहा है और बिल्कुल नया जैसा
लुक आ रहा है। ये देखिए कितना शाइन आ रहा है कि इसमें रिफ्लेक्शन दिख पा रहा है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था। आप देखिए यहाँ पर फेस का रिफ्लेक्शन दिख पा रहा है। यहाँ देखिए कितना शाइन आ गई है नल में और बहुत ही साफ लग रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस था जो हमने घर में ही रखे सामान से अपने बाथरूम के नल की क्लीनिंग करी। तो देखा आपने कितनी आसानी से 5 मिनट से भी कम समय में हमने रस्ट और गंदगी लगे नलों को कितना चमचमाता बना दिया। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, घर में रखे सामान से आप 5 मिनट से भी कम समय में अपने नलों की गंदगी को साफ कर सकते हैं और उन्हें चमचमाता बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और टेक होम टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।